नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 3 नवंबर को बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा सीट पर मतदान होने हैं, जिसमें कि एक विधानसभा सीट भागलपुर भी शामिल है। भागलपुर में सभी दल के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में वर्तमान राजनीति परिदृश्य पर बात करने के लिए चुनावी चर्चा में जाप यानी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद राघिब हसन हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। जन अधिकार पार्टी से पहले आप राजद में महानगर सचिव के पद पर थे, फिर जाप क्यों? मैं उसमें महानगर सचिव पर था पहले राजद में, और उसमें जो हमारे मतलब राजनीतिक गुरु जो थे सलाउद्दीन अहसन जी और हमारे बड़े भाई, उनको मतलब प्रदेश में कोई भी जगह नहीं मिला, जिस कारण से जब हमने उतने पुराने नेता को जब प्रदेश में जगह नहीं मिला तो हम लोग का आगे क्या भविष्य होता ये कहना मुश्किल था, इसलिए हमने छोड़ के जन अधिकार पार्टी का दामन पकड़ा। एक सवाल प्रदेश स्तर से, आपकी नज़रों में इस बार किसकी सरकार बनेगी? किनकी सरकार बन सकती है तो जनता तय करेगा, लेकिन पप्पू यादव ने जो काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो बाढ़ का समय हो, उससे तो हम लोगों को यही लगता है कि मतदाता जो है वो चुप है और चुपचाप वो कैची छाप पर जाकर वोट देगा। इसमें कोई शक नहीं, पप्पू यादव जी कोरोना काल और बाढ़ में लोगों की मदद की, क्या जनता याद रखेगी? जनता को तो याद रखना चाहिए, जनता से जिस समय सारे नेता, आज अगर मान लीजिए कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हो या जो कोई भी प्रत्याशी हो, एक एक दिन में 10-10 मोहल्ले में घूम रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना काल में कोई भी एक मोहल्ले में भी जाकर किसी ने कुछ करने का काम किया है? हमारे नाथनगर के जो प्रत्याशी है जफर मुस्तफ़ा जी उस समय भी NRC के समय भी उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था, कितनी सभाएं की थी, कोरोना काल में भी उन्होंने पब्लिक से जाके मिल के और जो भी दुख सुख में उनका साथ दिया है, तो निश्चित रूप से नाथनगर की जनता उनके साथ है और उनको वोट देगी कैची छाप पे। भागलपुर की राजनीति में मुद्दे कई हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है सृजन घोटाला का, वह गायब है। सृजन घोटाला का गायब इसलिए है कि दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की सरकार है, छोटे भाई उन पर आरोप नहीं लगाते, बड़े भाई उन पर आरोप नहीं लगाते हैं। इसलिए पप्पू यादव ने कहा है कि हमको 3 साल दीजिए, 5 साल उन्होंने नहीं मांगा, 3 साल मांगा है, 3 साल दीजिए, ये सृजन घोटाला है या और भी जो अभी नीतीश कुमार सरकार में जितने घोटाले हुए हैं सारे का पर्दाफाश होगा, ये जनता से मैं वादा करता हूँ। पप्पू यादव का एक नारा है 30 साल बनाम 3 साल। 30 साल में जो विकास नहीं हुआ है, जो पहले देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी नीतीश कुमार की सरकार जो जदयू की सरकार है, ये अपने विकास कार्यों का कहाँ कुछ बोल रही है कि हमने ये विकास किया, ये 15 साल पहले के जंगल राज को याद करवा के पब्लिक को डराने का काम किया जा रहा है, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो पप्पू यादव का यही कहना है कि आपने जो 30 साल तक जनता को छला है, जनता की बातों को ध्यान नहीं दिया, आप हमको 3 साल दीजिए, हम सारा कार्य करके आपको दिखाएंगे। भागलपुर विधानसभा से जाप उम्मीदवार रानी चौबे का नामांकन रद्द हो गया, क्या लगता है जीत दर्ज कर पाती? नामांकन रद्द हुआ ये तो मतलब वहाँ का वकील की कुछ गलती थी, और दूसरी बात इसको मैं ये समझता हूँ कि रानी चौबे पप्पू यादव जैसे मान लीजिए पूरे देश के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, रानी चौबे ने 2013 से भागलपुर के लिए छोटे छोटे मुद्दा NGO बनाकर बहुत से समस्या का हल किया है, तो हो सकता है भगवान ये चाह रहे हैं कि रानी चौबे MLA ना हो बल्कि भागलपुर के MP में के चुनाव में आए और MP बने भागलपुर की। जफर मुस्तफ़ा क्या रानी चौबे की कमी पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, और आप समय आप पर आपको लोगों को पता चलेगा, जनता उनके साथ है। जफर मुस्तफ़ा नेता से बेहतर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमेशा सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि देखी गई है। जी, NRC में उन्होंने काम किया, लॉकडाउन में काम किया, सारे चीज़ में पब्लिक जनता उनके साथ है, चुपचाप जनता चुप है, अभी जनता भीड़ भाड़ के साथ नहीं है, जनता चुप है और चुपचाप उसको याद है कैची छाप को वोट देना, कैची छाप को वोट देगी जनता। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिसमें बुनकर की हालत दयनीय है। बुनकर के साथ जफर मुस्तफ़ा जी का बैठक हो रहा है लगातार, उनके क्या क्या समस्या है उसको देखा जा रहा है, और इसलिए हमारे पार्टी का आपको तो हमने पहले भी कह दिया और जफर मुस्तफ़ा साहब जी का भी यही कहना है कि 3 साल का मौका दीजिए, सारा समस्या का निदान होगा, निश्चित होगा। क्या पप्पू यादव के बेहतर कार्यों का लाभ मुस्तफ़ा को मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, जनता तो सब देख रही है, जनता ने NRC में देखा है उनको, 100-100 सभाएं उन्होंने किया है पप्पू यादव जी ने, लॉकडाउन में किया है, और लॉकडाउन में उनके जो प्रत्याशी हैं जफर मुस्तफ़ा साहब उन्होंने भी किया है,
तो जनता निश्चित ये सब कार्य को देखेगी और चुपचाप है जनता वोट देगी। नाथनगर के निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ेंगे? अब देखिए ये तो जनता डिसीजन करती है, नहीं तो एक समीकरण की बात नहीं, ये जनता का डिसीजन है, जनता क्या निर्णय ले रही है और वो उसी पर निर्णय है और ऐसा कुछ नहीं होगा। जफर मुस्तफ़ा जी निश्चित जीतेंगे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री पद पर किसे देखना चाहेंगे आप? पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री के पद पर होंगे। पप्पू यादव जी निश्चित पप्पू यादव जी होंगे। जफर मुस्तफ़ा को लोग क्यों वोट करें? क्योंकि उन्होंने NRC में काम किया है, वो जब लोग लॉकडाउन में सारे नेता लोगों से मिलने से परेशान हो, मतलब मिलना नहीं चाह रहे थे, किसी के घर जाना नहीं पसंद करते थे, उस समय वो घर घर जाकर उन लोगों की समस्या को उन्होंने सुना है, बुनकर की समस्या को सुना है, तो ये सब जनता देख रही है और जनता निश्चित रूप से ये सब देख के जनता को वोट करना चाहिए। वर्तमान की राजनीति को कैसे देखते हैं? वर्तमान राजनीति देखिए विकास के नाम पे राजनीति जो है, विकास के नाम पे राजनीति होना चाहिए। पप्पू यादव जी 5 साल तक जो MP थे मधेपुरा के, उनके घर पे सेवा आश्रम लगा रहता था, पूरे बिहार के जितने भी मरीज़ हैं सारे लोग जाते थे, सेवा होता था, तो ये सब पब्लिक को देखना चाहिए और इसी के इस पर वोट करना चाहिए पब्लिक को। और आखिरी सवाल होगा कि सिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको लेकर आप हमेशा सवाल उठाते रहे। भागलपुर की समस्या, जो सिया वक्फ बोर्ड की जो समस्या है वो हमने आपके चैनल के माध्यम से करने की कोशिश की थी, क्योंकि नीतीश कुमार के जितने भी नेता हैं खास करके मुस्लिम नेता हैं, वो बार बार मतलब वोटर को ये कहने की कोशिश करते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने की है, ये कह के वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं JDU के नेता के जो सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद हैं, उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन को लीज पर देने का काम किया, जबकि ऐसा कोई वफ नियम के विरोध है, ये वफ नियम के खिलाफ है, ये नहीं है ऐसा नियम। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ तक कि कब्रिस्तान की ज़मीन को भी लीज पर देने का काम किया। कब्रिस्तान की ज़मीन वफ बोर्ड के नियम ही नहीं है कि देना है उसको लीज पर, नियम के विरुद्ध है वो। ये नीतीश कुमार जो कि जो भी वफ बोर्ड का जो भी चयन होता है वो जो मौजूदा सरकार होती है उन्हीं के कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी के वही लोग ही करते हैं। तो ये इरशाद अली आज़ाद जो है वो अभी तो चेयरमैन पद से हट गए, वो हम लोगों ने जो विरोध किया सारा चीज़ किया तो उनको दोबारा चांस नहीं मिला है, यही हम लोग हमारी उपलब्धि है। हमने ये कह के और इस बात को आगे करके और भी लोग हैं, पटना में 2-3 कब्रिस्तान है जिसको कि उन्होंने दिया है। क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से? विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो आपके मतलब लॉकडाउन में आपके साथ चल रहे थे, उसके बाद बाढ़ के समय जो आपके साथ रहते हैं, आप उनको वोट दीजिए और ऐसे इधर उधर के बात पर मत चलिए, जो विकास कर रहा है, जो विकास पुरुष है उसको वोट दीजिए। चलिए बातचीत के लिए शुक्रिया आपका, और मैं भी आपको बता दूं कि जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी जो है हिस्सेदारी निभाएं और अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतों का प्रयोग करें। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है तो विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तो विशेष सावधानी बरतते हुए आप अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।